हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय कुमार। दोस्तों, इंडियन रेलवे में स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में जिसका सबसे ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे कि स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब से चलाई जाएगी, इन लेटेस्ट अपडेट को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, इन वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ जो कि लेटेस्ट अपडेट इंडियन रेलवे के तरफ से निकलकर सामने आया है स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इंडियन रेलवे के तरफ से लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की तरफ से, बहुत सारे लोग इंतजार था कि नई दिल्ली से श्रीनगर तक के लिए स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस कब चलाई जाएगी। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन रूटों पर रेलवे लाइन का कुछ काम चल रहा था, जैसे कि बनिहाल जो रूट है वहां पर 111 किलोमीटर की पहाड़ी रास्ते हैं, उसके ऊपर काफी टफ काम करना था। हालांकि दोस्तों, वो काम अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उस दिन पहले स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की जो अपडेट आई थी कि 31 दिसंबर से पहले इन रूटों को तैयार कर लिया जाएगा, फाइनल कर लिया जाएगा और 26 जनवरी 2025 से पहले स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चला दी जाएगी, जो कि दोस्तों दिल्ली से कश्मीर वाले रूट के ऊपर बहुत ही जल्दी आपका इंतजार खत्म होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं वो न्यू दिल्ली से कश्मीर के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। श्रीनगर के माता वैष्णो देवी कटरा से होते हुए ये स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कश्मीर के बनिहाल रेलवे स्टेशन तक जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 2025 से पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आप न्यू दिल्ली से कश्मीर के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। इन स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में आपको काफी अच्छा अनुभव होने वाला है दोस्तों, काफी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार हूं आपका। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। थैंक यू।